हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जो है एक नया गूगल अकाउंट बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। जैसे कि आपको पता है, गूगल अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है, बट बहुत जनों को नहीं पता कि कैसे हमें सेटिंग्स करनी है, कैसे हमें गूगल अकाउंट बनाना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जो है एक गूगल अकाउंट बना सकते हैं बहुत आसान से तरीका यूज़ करके। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है आपने जो है अपने फ़ोन पे जाना है। फ़ोन में जाते ही जो है आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, जो कि मोबाइल की सेटिंग्स होती है। उसके दो तरीके होते हैं जाने के, आप ऊपर से भी जा सकते हैं और नीचे से आप जैसे मूव करेंगे तो यहाँ से आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सिंपली टाइप करना है सेटिंग्स, और यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है जो कि सारी मोबाइल की सेटिंग्स होती है। जैसे कि आपको पता है कि अबाउट फ़ोन, सिस्टम अपडेट्स वगैरह यहाँ से हम कर सकते हैं इजीली। तो हमें स्क्रॉल डाउन नीचे कर गूगल पे जाना है। यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आता है तो हमें यहाँ पे गूगल पे जाना है। जैसे हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे अकाउंट्स शो कर देगा, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं। तो हमें नया अकाउंट बनाना है तो हमें मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाना होगा। तो आप क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है आपके पास सारे के सारे जीमेल अकाउंट्स आ जाएंगे। तो हमें ऐड पर क्लिक करना है, ऐड अनदर अकाउंट में। जैसे हम ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन मांगा है कि आप साइन इन करना चाहते हैं गूगल अकाउंट में या क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके दो ऑप्शन आएंगे, फॉर माई पर्सनल यूज़ और फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आपने यहाँ पे पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है, क्योंकि वर्क और बिजनेस यूज़ के लिए गूगल वर्क स्पेस चलता है। तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, वो एक अलग सा कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे फॉर माई पर्सनल यूज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपने फॉर माई पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा फर्स्ट नेम एंड सरनेम। सरनेम ऑप्शनल होता है, तो आपने यहाँ पे अपना पहला नाम डालना है जो कि आपका जो पहला नाम होगा, और सरनेम डालना है। सरनेम आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, वो टोटली आपके ऊपर है। तो ये सब ऑप्शनल है। तो आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, कि आपका जो जन्म तिथि है, जिससे कि गूगल को पता चले कि आपकी उम्र कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं आगे नेक्स्ट कर सकते। तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। इन्फॉर्मेशन डालते ही जो है आपने यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है। जेंडर में चार ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, जिसमें आप फीमेल, मेल, रेडर नोट से और कस्टमाइज। फेल मेल फीमेल आपको पता ही है कि आप मेल है फीमेल है। आप चाहते हैं कि रेडर नोट से, मतलब कि आप गूगल को नहीं बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेल हूँ फीमेल हूँ। या फोर्थ ऑप्शन एक कस्टमाइज का भी है, आप उसमें भी जा सकते हैं कस्टमाइज में। जैसे ही जो है आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, आपके पास अदर दो ऑप्शंस और आ जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, कस्टमाइज पे जाते ही आपसे पूछा मेल फीमेल अदर, और यहाँ पे जो है आप इसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है मेल पे जाकर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं, तो आप एक अपना जीमेल अकाउंट बताइए कि किस नाम से आप बनाना चाहते हैं नया अकाउंट। तो यहाँ पे जो आप अपना नाम दे दीजिए, या कोई भी आप नाम दे दीजिए जिस अकाउंट से आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और डॉट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डॉट यूज़ किया लास्ट में, तो उसने बोला कि आप लास्ट में डॉट यूज़ नहीं कर सकते, आप लास्ट में जो है नंबर यूज़ करिए या अल्फ़ाबेट यूज़ करिए। तो हमने यहाँ पे जो है दो तीन नंबर हम और ऐड करते हैं, जिसमें भी हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये मैं डेमो के लिए एक अकाउंट बना रहा हूँ, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। उसके बाद जो है आपसे ये पूछा कि आप पासवर्ड जो है आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि जिससे कि कोई भी बंदा पासवर्ड क्रैक ना कर सके। अगर आप कोई भी पासवर्ड डालते हैं तो नीचे सो पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप उसको टिक करेंगे और उस पर जो है आपका पासवर्ड दिख जाएगा कि क्या आप डाल रहे हैं, और अनटिक करेंगे तो पासवर्ड जो है डॉट में आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि जब मैं पासवर्ड डालूँ तो मैं टिक कर लूँ, जिसके कारण से मैं पासवर्ड जो है मैं देख सकूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अनटिक भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। और आपने जो है पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है, ऐसे नहीं है कि आपने बहुत सिंपल पासवर्ड रख लिया जो कोई भी क्रैक कर सकता है। आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखकर आपने नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए, फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है कि आपके ऊपर है कि आप ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। फ़ोन नंबर इसलिए पूछता है, कल को आप जो है जो आप जीमेल अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका पासवर्ड भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो आप जो है उसको रीसेट कर सकते हैं आसानी तरीके से, तो इसलिए आपसे वो पूछता है। तो टोटली वो आपके ऊपर है कि आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। इसमें अदर ऑप्शन भी है, मोर ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन अदर ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फ़ोन नंबर ऐड करना नहीं चाहते, या सेकंड ऑप्शन है कि आप ऐड करना चाहते हैं और जो भी सारी गूगल की सर्विसेज है उसमें वो फ़ोन नंबर ऐड हो जाए।
थर्ड ऑप्शन है कि मैं फ़ोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ खाली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो टोटली वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप जो है सेकंड या थर्ड पे भी जा सकते हैं, टोटली वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा नो ऐड माई फ़ोन, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है हम इस पर फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर जाते ही जो है हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही जो है यहाँ पे आपसे पूछा कि आपकी ईमेल एड्रेस है जो क्रिएट हो चुकी है, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे जो है प्राइवेसी एंड टर्म्स आ जाता है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हमें उसको एग्री करना होता है। एग्री के बाद हम यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ पे ये बता रहा है बेसिकली कि जो आपकी जो हिस्ट्री वगैरह जो भी आप काम करोगे मोबाइल फ़ोन पर, सारे की सारी सेव हो जाएगी गूगल अकाउंट के अंदर, जिस कारण से क्या होगा कल को आप जो है मोबाइल फ़ोन चेंज करते हो तो सारा सारा सिंक होकर आपका सेम टू सेम डेटा आपका जो है उसी फ़ोन में आ जाएगा नए फ़ोन में। तो ये आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देना, आई एग्री करना कंपलसरी है, जिसको आप आई एग्री जरूर करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करते ही जो है हमारा अकाउंट बन चुका है। उसके बाद जो है हमें वो दिखला देगा कि हाँ भाई ये आपका अकाउंट बन चुका है, ये आपकी ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे अगेन पूछ रहे हैं फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए। तो टोटली आपके ऊपर है कि आप फ़ोन ऐड करना चाहते हैं करना चाहते हैं रिकवरी फ़ोन के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।